What are coherent sources? Sources which produce same wavelength in same phase are called coherent sources. Good evening, sir. Very good evening. कैसी बेटा? ठीक हूँ सर. बस ठीक. अच्छी क्यों नहीं है? एकदम मस्त हूँ सर. Very good. अब मजा आया ना? चल एक छोटे से सवाल का जवाब दे. हाँ बेटा ध्यान से सुनो क्वेश्चन. व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट? संध्या बेटा आपसे एक क्वेश्चन, मोनोक्रोमेटिक लाइट से क्या मतलब है? हाँ आप बताओ. जो लाइट सिर्फ एक कलर की लाइट, एक ऐसी लाइट जिसमें सिर्फ एक ही कलर मौजूद है, ठीक है, मतलब जिसकी सारी वेव्स एक ही फ्रीक्वेंसी की हो, एक ही वेवलेंथ की हो, that is called monochromatic light. How many colors are present in white light? All colors. अच्छा सात होते हैं. Golden, silver, ये क्या होते हैं? नहीं golden color होता है ना, golden color होता है, silver color होता है. आप क्या कहना चाह रही हो? All colors, that's true. अच्छा white से लेके black तक बीच में जितने भी color आते हैं सारे होते हैं. Infinite colors. तो सात ही तो होते हैं. नहीं आप कलर थ्योरी में जा रही है तो बात ही है. कलर थ्योरी के हिसाब से तीन प्राइमरी कलर होते हैं, तीन सेकेंडरी कलर होते हैं, एक व्हाइट होता है, एक ब्लैक होता है. ब्लैक को कलर नहीं कहते, व्हाइट को कलर कहते हैं, इससे समझ लो. ठीक है वो कलर थ्योरी है. स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हो तो वेवगियर बोलते हैं. इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर मैक्सिमास कहाँ फॉर्म होते हैं? मैक्सिमास आर फॉर्म इन इंटरफेरेंस पैटर्न वेयर दी path difference is equal to how much? lambda d by d. देखो याद करने lambda d by d. याद करने की चीजें आपने याद ही नहीं की. कितने path difference पे maxima मिलता है ये सवाल. At what path difference you will get? अच्छा n maximum. इसका आंसर है n lambda, n times lambda. When the path difference is in complete multiple of wavelength, we get the maximum. ठीक है. और मिनिमा कहाँ मिलता है? 2n-1λ/2. यस ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ के पार्ट डिफरेंस पे मिलता है. क्या बोलते हैं? ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ. कैसे बोलते हैं भाषा में? ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ के पार्ट डिफरेंस पे हमें मिनिमा मिलता है. उसको हम कैसे लिखते हैं? 2n-1λ/2. ठीक है समझ में आया? विजिबल लाइट की वेवलेंथ रेंज क्या होती है? ये तो शाबाश है, बिल्कुल ठीक. तुक्का मारे तुक्का नहीं मारे का रेंज चार्ट से रीड. अच्छा उसमें दिया हुआ है? हाँ पहली पेज पे दिया. हाँ बेटा 452 यूनिट में नैनोमीटर ही होती है. नैनोमीटर जब तीन डिजिट यूज करो तो नैनोमीटर, चार डिजिट यूज कर रहे तो ऑंगस्ट्रॉम. 452 750 वो अप्रोक्सीमेटली होता है. आप 400 का फर्क बना के रखो. अगर 380 बोला है तो 780. ठीक है. और क्योंकि एजेस बहुत शार्प नहीं होते, ग्रेजुअली फेड आउट होते हैं, तो कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे खत्म हो रहा है ये कोई शार्प डिफाइंड नहीं है. तो आप अगर 450 to 700 बोल रहे हो तो वो गलत नहीं. 700 नैनोमीटर बड़ा होता है या 450 नैनोमीटर बड़ा होता है? 700 नैनोमीटर बड़ा होता है. किसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर होती है? रेड लाइट की या ब्लू लाइट की? होती होगी मतलब अभी खुद ही बताया था, अभी खुद ही बताया था 700 मतलब 450 to 700. अब मैं पूछा बड़ी कौन सी होती है? 700 बड़ी होती है. ठीक है. व्हाइट लाइट में जो कलर्स होते हैं वो कलर्स रेड से ब्लू तक फैले होते हैं. तो कौन सी लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है? विच कलर लाइट हैज गॉट लार्जर वेवलेंथ? तो इतनी देर क्यों लगाई? सन अपीयर्स रेड एट डॉन एंड डस्क, व्हाई? भूला क्यों?
स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट सर। ठीक है, ये पीछे की चीजें याद कौन करेगा? छोटी वेवलेंथ बड़ी वेवलेंथ ये कौन याद करेगा? रेड लाइट पे क्यों लगाते, रेड लाइट क्यों होती है कारों में, बोर्ड के सिग्नल रेड क्यों होता है? रेड लाइट पे रेड लाइट क्यों लगाते हैं? अरे नहीं, अच्छा ऐसा डेंजर सिग्नल रेड लाइट मतलब रेड कलर से होता है, दूर से दिखता है। कम स्टैंडर्ड बता दो बोलो कि स्काई ब्लू कलर का क्यों दिखता है? व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू? ठीक है, अभी ध्यान से सुनो। जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, वो छोटे होने की वजह से, हल्के होने की वजह से सस्पेंडेड होते हैं एटमॉस्फेयर में, और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो वजन की वजह से, भारी होने की वजह से अर्थ पे गिर जाते हैं। तो बड़े एयर के मॉलिक्यूल्स या छोटे पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में लाइट एंटर करती है, सबसे पहले वो ही उनको क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे छोटी वेवलेंथ है वो सबसे पहले स्कैटर होती है, बिखरती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? वायलेट सबसे पहले बिखर गया, सारा बिखर गया, इंडिगो बिखर गया, सारा बिखर गया, ब्लू बिखरा। ठीक है, अब आंख को वायलेट काले की तरह दिखता है, इंडिगो भी काले की तरह दिखता है, मगर ब्लू ब्लू की तरह दिखता है। बिकॉज आईज आर मोर रिस्पॉन्सिव टू ब्लू कलर, वी सी ब्लू कलर एवरीवेयर, क्योंकि वो सभी जगह से फैल रहा है। समझ में आई? स्पेस में एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, स्कैटरिंग ही नहीं होती। तो जहां से सोर्स से लाइट आ रही है सिर्फ वहीं पे लाइट दिखाई देगी, स्पेस में जहां से लाइट नहीं आ रही वो काला ही दिखाई देगा। सो ब्लैक इज नॉट ए कलर, ब्लैक इज एब्सेंस ऑफ लाइट, ये डेफिनेशन। ना बोलचाल की भाषा में है, साइंस की भाषा में नहीं है। ब्लैक इज नॉट ए कलर, ब्लैक इज एब्सेंस ऑफ लाइट। ब्लैक इज दैट सरफेस फ्रॉम वेयर नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड, The whole light is absorbed by that surface. तो उस सरफेस से लाइट नहीं आ रही, तो जहां से लाइट नहीं आ रही उसको हम ब्लैक कहते हैं। तो इंटरफेरेंस की मैंने चार बातें लिखवाई थी लास्ट के अंदर, वो चारों बता दो जल्दी से मुझे ताकि मैं डिफ्लेक्शन पे चला जाऊं। सेंटर फ्रिंज इज ऑलवेज ब्राइट फ्रिंज। सेकंड, यस। तीसरा, यूनिफॉर्म। चौथा, वेरी गुड। ठीक है, चारों बातें ध्यान रखनी है, रट के रखनी है, चारों पॉइंट बाय पॉइंट लिखने को आनी चाहिए, क्योंकि सवाल में स्टेटमेंट में ऐसे ही पूछी जाती। या तो सिंपल एप्लीकेशन होगी इनकी, उसमें यूज होंगे ये, या फिर कंपैरिजन होगा डिफ्रेक्शन के फ्रिंज पैटर्न, तो वहां पे ये चारों पॉइंट वन टू वन आपको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। आपको ये बात ध्यान से देखनी है, क्या ध्यान से समझनी है, क्योंकि ये इसमें एक्सप्लेन करने वाला ज्यादा मैथमेटिकल पार्ट कम। डिफ्रेक्शन क्या होता है? व्हाट इज डिफ्रेक्शन? लाइट इज जा रही, ठीक है, इनके सामने हमने कोई शार्प एज रख दिया। क्या रख दिया? शार्प एज रख दिया है इन लाइट रेज के सामने। ठीक है, अगर ये लाइट रेज ही है तो ये सीधी चली जाएंगी, ठीक है, और अगर ये वेव्स हैं तो ये फैल जाएंगी। तो जब लाइट किसी शार्प एज के पास से गुजरने से बेंड हो जाती है, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं ये लाइट फैल रही है, डिस्पर्स, ये स्प्रेड हो रही है। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है स्प्रेडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू शार्प एजेस, ठीक है, इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन। ठीक है, देखो द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट क्रॉसेस शार्प एजेस इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन। शार्प एज से क्या मतलब है? द वेवलेंथ ऑफ लाइट शुड मैच विद द size of edge, wavelength of light should match with size of edge. जब ये match करने लगेंगे तो bending of light आपको clearly दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। आप इसको इस प्रकार से समझें, ये एक window है, आप यहाँ पर हो, हम यहाँ पे आपकी बुराई कर रहे हैं, आपको सुनाई देगी नहीं सुनाई देगी? हाँ, ये खिड़की है, खिड़की के उधर छुप के खड़ा हुआ तुम, और मैं तेरी बुराई कर रहा हूँ इसको,
तेरे को मैं सुनाई देगी या नहीं सुनाई देगी? तो वैसे भी आगे बता देगी। नहीं नहीं सुनाई दे जाएगी, सुनाई देगी ना। मैं ऐसे कुछ भी बात कर रहा हूँ आपको वहां सुनाई दे जाएगी। और अगर मैं यहाँ से टॉर्च लाइट में करता हूँ तो लाइट क्या आपके पास पहुंचेगी? लाइट तो सीधी जाएगी ना, लाइट नहीं पहुंचेगी। तो अब इन दोनों में फर्क क्या है? विंडो के एज का जो साइज है वो साउंड वेव्स के से मैच करता है, ठीक है? इसलिए साउंड वेव जब उसको क्रॉस करती है तो वो बेंड हो जाती है। तो हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनके जो साइजेस हैं वो साउंड वेव की वेवलेंथ से मैच करते हैं, ठीक है? इसलिए साउंड वेव सारे में भर जाती है, ठीक है? आप घर में किसी भी जगह पर हो, दरवाजे खिड़की खोल दो और अगर मैं जोर जोर से बोल रहा हूँ आपको साफ सुनाई दे जाएगा, ठीक है? क्योंकि जो साउंड वेव्स हैं वो बेंड होती घूमती फिरती वो पहुंच जाएंगी आपकी, ठीक है? मगर लाइट नहीं पहुंचेगी। तो मतलब डिफ्रेक्शन का पैटर्न साउंड में भी ऑब्जर्व होता है, ठीक है? मगर लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी होने की वजह से हम शार्प एजेस की बात करते हैं, ठीक है? तो अगर स्लिट साइज बड़ा है तो यहां से जो वेव फ्रंट आ रहे हैं वो इसको क्रॉस करने के बाद इस प्रकार से स्प्रेड होना शुरू होंगे। क्या मतलब है? बीच का तो सीधा जा रहा है, किनारे से जो क्रॉस हुआ ये फैल रहा है, यहाँ किनारे से जो क्रॉस हुआ ये फैल रहा है, ये चीज फील हो रही है, ठीक है? अब अगर इसी का साइज हम छोटा कर दें और इसके सामने वेव फ्रंट्स आ रहे हैं ये, तो इससे क्रॉस होने के बाद क्या होगा? ये इस प्रकार से फैलने शुरू हो जाएंगे। स्मॉलर द स्लिट, ठीक है? ये स्लिट के जो पॉइंट्स हैं ये सारे सोर्स की तरह काम करना शुरू करते हैं और आपको सर्कुलर वेव फ्रंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो स्लिट साइज डिफ्रेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए छोटा रखना जरूरी है, ठीक है? हाँ जी, बेंडिंग ऑफ वेव्स हैपेंस ओनली एट द एजेस एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज डिफ्रेक्शन। ये चीज समझ में आ गई? अब डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए वी हैव अ स्लिट, यहां से वेव फ्रंट आ रहे हैं और इससे क्रॉस होने के बाद यहाँ पे स्क्रीन है हमारे पास, ठीक है? इस स्क्रीन पे हमें डिफ्रेक्शन पैटर्न मिल रहा है, दैट पैटर्न इज समवॉट लाइक दिस, ठीक है? सेंट्रल फ्रिंज बहुत बड़ा है, उसके बाद फ्रिंज छोटे होते जा रहे हैं और ये ज्यादा ब्राइट है, इनकी ब्राइटनेस भी कम होती जा रही है, ठीक? वी गेट दिस टाइप ऑफ पैटर्न जो थॉमस यंग ने ऑब्जर्व किया था, जो थॉमस यंग ने ऑब्जर्व किया था वो इस टाइप का पैटर्न। तो अभी हमें ये समझना है कि ये पैटर्न ऐसा क्यों बनता है। चलो अब इसको समझते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अभी हम कह रहे थे कि स्लिट छोटा बनाना चाहिए, समझने के लिए हम बड़ा बनाएंगे, है छोटा बड़ा बना, ठीक है? इस पे वेव फ्रंट आ रहे हैं, वेव फ्रंट आ रहे हैं पीछे से, ये वेव फ्रंट पहुंच गया यहाँ पे। वेव फ्रंट का हर पॉइंट कैसे बिहेव करता है? एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिहेव्स एज अ सोर्स। इस पे जो हर पॉइंट है यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं देयर इनफाइनाइट पॉइंट्स, कुछ मान लेते हैं हम, दीज आर द पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट। ईच पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट बिहेव्स एज अ सोर्स। किसने बताया था ये हमें? क्रिश्चियन ह्यूजन, ह्यूजन प्रिंसिपल किया था ऑफ वेव प्रोपेगेशन। फिर उसने क्या बोला था? ईच पार्टिकल बीइंग ए सोर्स स्प्रेड्स इट्स ओन वेवलेट्स। ये हर एक अपनी अपनी वेव्स पैदा कर रहे हैं, जैसे पानी में हम मुट्ठी भर के अगर चार पांच कंकड़ इकट्ठे डाल देते हैं तो हर एक कंकड़ अपनी अपनी वेव्स पैदा कर रहा होता है। दो कंकड़ डालोगे तो दोनों अपनी वेव्स पैदा कर रहे होंगे, चार डाल दोगे तो चारों अपनी वेव्स पैदा कर रहे होंगे। जितने वेव्स, जितने डिस्टर्बेंसेस है, जितने सोर्स है उतनी वेव्स वहां से बनती हैं। तो ये हर पार्टिकल इस वेव फ्रंट पे सोर्स का काम कर रहे हैं, इसलिए ये अपनी अपनी वेव्स बना रहे हैं। ये सारे सोर्स जो वेव बना रहे हैं सेम वेवलेंथ के, ये सारे सोर्स जो वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सेम फेज में। तो हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर दो सोर्स की बात की थी, उसके हिसाब से यहाँ पे स्लिट तो एक ही है मगर स्लिट में बहुत सारे सोर्स हैं। जब ये सारे सोर्स कोहेरेंट सोर्स की तरह एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, तो हमें यहाँ पे कैसा पैटर्न मिलता है? दैट इज टू बी ऑब्जर्व, दैट इज टू बी लर्न, कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब यहाँ पे जो जो मैं बता रहा हूँ वो समझने का है,
तो पहले समझ लेना उसके बाद ड्रॉ कर लेना। ये ध्यान रखें आप, ये डिस्टेंस ज्यादा होता है 1 मीटर के आसपास, मान लो हम ले लेते हैं इसको 85 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर, 1 मीटर, उसके हिसाब से डिस्टेंस होता है। स्लेट का साइज बहुत पतला होता है, यहाँ पे हम बहुत बड़े बड़े पैटर्न बनाते हैं, अगर वो पैटर्न बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, उनका साइज मिलीमीटर्स में होता है, 2 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, ऐसे फ्रिंज विड्थ होती है। यहाँ पे हम बड़ी बड़ी फ्रिंजेस बना के दिखाते हैं, ये समझ में आ रहा है? इन अदर वर्ड्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हम एंगल बड़े बड़े बना रहे होंगे, मगर वो एक्चुअल में एंगल्स वो छोटे ही होते हैं, ठीक है। वी ऑल डील विद स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल की ही बिहेवियर से वो सारी चीजें हमें मिलती हैं। नाउ ईच पार्टिकल इज एक्टिंग एज अ सोर्स एंड इट इज प्रोड्यूसिंग वेवलेट्स इन द सेम ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन सेम फेज, ठीक है। अब ये सारे चारों तरफ फैल रहे, सब कुछ वेव्स चारों तरफ फैल रहे, ठीक है। तो हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पी इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये सारी वेव्स जो यहां से यहां पहुंच रही, तो ये जब साइज छोटा होगा और ये थोड़ा और दूर होगा, तो ये और ये लगभग पैदल ही दिखाई देंगे। आप दूर कर दें इसको, पास कर दें, तो दोनों लाइनें पैदल सी हो जाएंगी, जैसे कि यहां से इसको यहां मिलाऊंगा तो ये पैदल ही दिखेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो इस इन वेव इन सोर्सेज से वेव्स जो चलेंगी उसकी तरफ सेम फ्रीक्वेंसी की होंगी, सेम फेज की होंगी, ठीक है। कैसी सी होंगी ये वेव्स? मैं एक एक वेव बना रहा हूँ सिर्फ, कि मैंने हर सोर्स की एक एक वेव बनाई है और ये कंटिन्यू होकर यहाँ पे सारी मिल रही है, चली तो एक साथ थी, पहुंच यहाँ पे रही है। हर एक का डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल अलग अलग है, हर एक का डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल अलग 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 है, ठीक है। इसलिए सारी वेव्स यहाँ पे अलग अलग फेज में पहुंचेंगी, ये सारी वेव्स का अपना अपना पाथ है, ठीक है। ये नजदीक है, ये दूर है, तो यहां से चली तो एक साथ थी, मगर सबकी लेंथ, पाथ लेंथ अलग होने की वजह से सब अलग अलग फेज में वहां पे पहुंच रही होंगी। आपने अभी बोला था कि अंदर स्लिट, मतलब स्लिट का गैप बहुत छोटा सा होता है और वहां पे मतलब लगभग एक दूसरे के पैरेलल ही चलेंगे ना, तो वो तो मतलब स्टार्ट में नहीं पहुंचेंगे, नहीं, मगर यहाँ पे जाके मीट करेंगे ना। हाँ। अब एक पॉइंट पे सारी मर्ज हो रही है, तो वहां पे वो इंटरफेरेंस होगा, जहां पे वो सारी मिल रही है आपस में आके साइमल्टेनियसली, वहां पे इंटरफेरेंस होगा। हाँ। और उस इंटरफेरेंस में सब अलग अलग फेज में मिल रही हैं, तो अलग अलग फेज के जो सम होंगे, उनका जो टोटल सम होगा, ठीक है, वो कितना बनेगा, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा कि वो ब्राइट होगा या वो डिम होगा। अब यहां से इस पॉइंट को देखें, यहां से इस पॉइंट को देखें, बराबर दूरी पर है, इस पॉइंट को देखें भी बराबर दूरी पर है, तो ये सारे मिड पॉइंट से बराबर दूरी पर है, ठीक है। तो ये सारी वेव्स जब मिड पॉइंट पे पहुंचेंगी तो सारे फेज में ही पहुंच रही होंगी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें सेंट्रल पॉइंट पे मिलती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें सेंट्रल पॉइंट पे मिलती है। मगर जब हम यहां से ऊपर सरकना शुरू करते हैं, ठीक है, तो इन सारी वेव्स के अंदर पाथ डिफरेंसेस इंट्रोड्यूस होते हैं। अब हम यहां से ऐसे डिस्टेंस पर पहुंच गए जिसमें यहां से पहुंचने वाली वेव और यहां से पहुंचने वाली वेव में एक वेवलेंथ का पाथ डिफरेंस आ गया है। और यहां से अगर 50 वेव पहुंची थी, 50 वेव के बाद पहुंची थी, तो यहां वाली वेव 51 वेव के बाद पहुंची। देयर इज ए पाथ डिफरेंस ऑफ 1 वेवलेंथ। सबसे ऊपर वाली सबसे पहले सर, दूसरी वाली दूसरे नंबर पे, तीसरी वाली तीसरे पे। हां, ये कंटीन्यूअस फिनोमिना है, कंटीन्यूअस फ्लो कर रहा है, उस कंटिन्यूटी में ये जो यहां पहुंच रही हैं सब अलग अलग फेज में पहुंच रही हैं, और इसमें ये दोनों सेम फेज में पहुंच रही हैं, मगर पाथ डिफरेंस एक पूरी वेवलेंथ का इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब ये कैसे पता लगे? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपास रख के इतना रेडियस खोल के यहाँ से आर्क ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और वो आर्क जब यहाँ से ड्रॉ करेंगे इट कम्स समथिंग लाइक दिस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पाथ लेंथ और यहाँ से यहाँ तक का पाथ लेंथ बराबर है।
और ये जो पाथ डिफरेंस है ये एक वेवलेंथ का पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हुई। ये बात समझ में आई? हाँ बेटा आपको समझ में? तो ये बीच वाली वेव है, बीच वाली वेव, इसमें पाथ डिफरेंस आधी वेवलेंथ का। इससे ऊपर वाली वेव, ये वेव जो है ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड वाली गई है उधर, ये पॉजिटिव वाली है ना, ये देखो ये पॉजिटिव वाली है, और इसके बाद नीचे वाली ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड वाली वेव गई है। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हो गया, जो सारी वेव वहां पहुंच रही हैं उनके जो फेजर्स हैं कौन कौन से, ये वाले वेक्टर्स हैं, ये एम्पलीट्यूड्स पहुंच रहे हैं वहां पे, ये सारे एम्पलीट्यूड जो एक पूरी वेवलेंथ को कवर कर रहे हैं, ये सारे पहुंचे वहां पे साइमल्टेनियसली। सेंटर से ऊपर के पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, सेंटर से नीचे वाले पार्ट से नेगेटिव एम्पलीट्यूड। जब ये सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव एक साथ एक जगह पे मिलेंगे तो क्या क्या रिजल्ट मिलेगा? बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हाँ, रिजल्टेंट वेव कितना मिलेगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, लिखवाया हुआ है तुमको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स। कितना होगा रिजल्टेंट वेव के इक्वल? आधी वेव ये वाली पहुंची, नीचे की आधी वेव ये वाली पहुंची, ये जो एरो मैंने बनाए ये एम्पलीट्यूड्स हैं, हाँ, इनका सबका सम क्या होगा? वही तो पूछ रहा हूँ, जी बना के दिखा रहा हूँ, हिंट भी दे रहा हूँ, तो नहीं बता रहे हो आप लोग? सारे इक्वल एंड अपोजिट हैं ये, तो कैंसिल हो जाएंगे, ये सारे आपस में कैंसिल हो गए, और क्यों ये सारे कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? डार्क स्पॉट मिलेगा। क्या मिलेगा? डार्क स्पॉट मिलेगा। तो ब्राइटेस्ट पॉइंट से डार्क स्पॉट तक आते आते जो हमें पाथ डिफरेंस मिला है, कितना मिला है पाथ डिफरेंस? एक वेवलेंथ का पाथ डिफरेंस मिला, एक पूरी वेवलेंथ। अब इससे नीचे की तरफ आते तो भी यही होता, मतलब अगर एक वेवलेंथ हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस के लिए ऊपर गए तो एक वेवलेंथ पाथ डिफरेंस के लिए ही नीचे आएंगे, तो जितनी ऊपर ये जाके डार्क स्पॉट हमें मिला उतनी ही नीचे आके डार्क स्पॉट मिलेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? एक का पार्ट डिफरेंस यहाँ से, एक का यहाँ से, एक का यहाँ से, एक का यहाँ से, एक का यहाँ से, ये पार्ट डिफरेंस कवर करते करते हमारी एक वेवलेंथ पूरी कवर होगी, मतलब आधों के ये वाले फेज पहुंचे, आधों के ये फेज पहुंचे, सारे मिलके जीरो हो गए। मुझे पता है, बिल्कुल पता है, ज्योमेट्री से बात कर रहा हूँ, हिसाब से बात कर रहा हूँ, एक वेवलेंथ का पार्ट डिफरेंस लेके बात कर रहा हूँ, रैंडम बात थोड़ी कर रहा हूँ, एक वेवलेंथ का पार्ट डिफरेंस लेके बात कर रहा हूँ, उसकी कंडीशन पे बात कर रहा हूँ। तो एक वेवलेंथ के सारे फेजेस पहुंचे और आधे पॉजिटिव है आधे निगेटिव है, इसलिए कैंसिल हो गए। अब यहाँ से ऊपर चलते हैं, आधी वेवलेंथ का और पार्ट डिफरेंस आ गया, आधी वेवलेंथ का पार्ट डिफरेंस और आ गया, तो पार्ट डिफरेंस कितनी वेवलेंथ का हो गया? वन एंड हाफ वेवलेंथ का पार्ट डिफरेंस हो गया। अब मतलब उस पॉइंट पे वन एंड हाफ वेवलेंथ के फेजेस पहुंच रहे होंगे, वन एंड हाफ वेवलेंथ के फेजेस पहुंच रहे होंगे, इसका मतलब क्या हो गया? ये आधी वेवलेंथ और कवर हो गई मेरी, अब ये फेजेस और आ गए, ये फेजेस और आ गए, ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो लाइट तो सारे इस सारे में से पहुंच रही है। अगर इसकी जो वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड, ये वन थर्ड लाइट इस वन थर्ड से कैंसिल हो जा रही है, तो यहाँ पे जो ब्राइटनेस मिलेगी वो सिर्फ वन थर्ड की वजह से मिलेगी, ठीक है, इसलिए लाइट इंटेंसिटी कम हो जाती है, लाइट इंटेंसिटी कम हो जाती है मगर जीरो से बढ़ जाती है। ये बात समझे? इज दिस पॉइंट क्लियर? चले आगे, ठीक है। अब उस पॉइंट से और ऊपर जा रहे हैं, और आधा वेवलेंथ के पार्ट डिफरेंस से और ऊपर चले गए, इसका मतलब क्या हो गया? एक वेवलेंथ का पार्ट डिफरेंस यहाँ मिला था, एक वेवलेंथ का और मिल गया, तो दो वेवलेंथ का पूरा पार्ट डिफरेंस बन गया। अब दो वेवलेंथ का पूरा पार्ट डिफरेंस बनेगा तो ये आधी वेवलेंथ और कवर हो गई मेरी, तो इसके भी निगेटिव वैक्टर सारे चले जाएंगे वहां पर, तो ये भी आपस में कैंसिल हो गए, तो फिर से मुझे डार्क स्पॉट मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं इस पैटर्न के अंदर, जब जब पाथ डिफरेंस पूरी पूरी वेवलेंथ का हो रहा है,
एक वेवलेंथ का पार्ट डिफरेंस, दो वेवलेंथ का पार्ट डिफरेंस, तीन वेवलेंथ का पार्ट डिफरेंस, मुझे डार्क स्पॉट मिल रहा है। मगर उनके बीच में जो ब्राइट स्पॉट मिल रहा है उसकी जो लाइट इंटेंसिटी है वो इसके लेस फ्रैक्शन से बन पा रही है। ठीक है, पहला ब्राइट तो मैक्सिमम ब्राइट था, ठीक है, तो सेकंड ब्राइट मिला था वो जब वो 1/3 की वजह से मिला था, दो पार्ट डिफरेंस पूरे होते कैंसिल हो गया। जब और हाफ वेवलेंथ पार्ट डिफरेंस पे जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएंगे, तो सिर्फ 1/5 पार्ट की लाइट इंटेंसिटी से मुझे वहां ब्राइटनेस मिल रही होगी, तो उसकी इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही? हाँ, क्या नहीं आया पूछो। सेंटर में सारे पॉइंट्स के डिस्टेंसेस सेंटर से बराबर है, तो सेंटर पे इन सारे वेवलेट्स से जो फेजेस पहुंच रहे होंगे वो सेम फेज में पहुंच रहे होंगे, इसलिए सारे एड अप होके ब्राइटेस्ट आपको यहाँ पे एक सेंट्रल स्पॉट देंगे। ठीक है, मगर जब हम सेंटर से ऊपर शिफ्ट होना शुरू होंगे, ठीक है, तो ये वाला पाथ छोटा हो रहा है यहां से ऊपर जाने से, नीचे वाला पाथ बड़ा हो रहा है, इनमें पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, जब पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो रहा है तो ये एन जो वेव्स यहां से चली हैं, ये सारी की सारी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में पहुंचेंगी क्योंकि चल एक साथ रही है। तो जब हम अब एज्यूम कर रहे हैं कि पी पॉइंट पर जब ये सारी वेव्स पहुंच रही हैं, ठीक है, तब इन वेव्स में और नीचे से पहुंचने वाली वेव्स में जो पाथ डिफरेंस है, एक पूरी वेव का पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो गया है, एक पूरी वेव का पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो गया है। इसका मतलब कि एक पूरी वेव का पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो गया है, तो ये जो हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींची है इससे ये पता चल रहा है कौन कौन से फेजर्स यहाँ पे किस फेज में पहुंच रहे होंगे पाथ डिफरेंस के हिसाब से। तो ये आधे ऊपर हाफ पार्ट के जो फेजर्स हैं ये सारे पॉजिटिव वेव के हैं, और नीचे हाफ पार्ट के ये सारे निगेटिव फेजर्स, मतलब ऊपर ऊपर वाले ये पॉजिटिव फेजर्स हैं, नीचे वाले ये निगेटिव फेजर्स हैं जो साइमल्टेनियसली वहां पे लैंड कर रहे हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव और निगेटिव ये सारे मिला के क्या रिजल्टेंट देंगे? जीरो देंगे। इसलिए एक वेवलेंथ जब पूरा पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाता है तो मुझे यहाँ पे डार्क स्पॉट मिलता है, लाइट कैंसिल्स इटसेल्फ। ठीक है, वो सिचुएशन हो रही है। ठीक है, अब यहां से और ऊपर की तरफ चलते हैं तो इसमें पाथ डिफरेंस और क्रिएट होगा ना। अब ये यहाँ आया था ऊपर वाले पॉइंट से करेंगे तो ये इधर से ऐसे आएगा, ये आधा वेवलेंथ और आ गया, फिर और ऊपर जाएंगे तो यहाँ से और ऐसे आएगा। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ये पार्ट लेंथ बढ़ती चली जाएगी, पाथ डिफरेंस जो है बढ़ता चला जाएगा। तो जब हम यहाँ से हाफ वेवलेंथ का पाथ डिफरेंस और ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से फिर कितने वेव्स हो गई है? तीन पार्ट हो गए, एक से आधा और जोड़ेंगे तो 1.5 वेवलेंथ का पार्ट डिफरेंस हो गया। तो 1.5 वेवलेंथ के पाथ डिफरेंस वाले सारे फेजर्स कौन कौन से होंगे? ये वाले और उसमें ऐड हो जाएंगे, अब ये वाले और ऐड हो जाएंगे तो ये 1/3 1/3 के साथ तो कैंसिल कर रहे हैं, ये 1/3 वाले ही बच्चे। जब ये 1/3 वाले ही बच्चे इससे आगे यहाँ पर जो हमें ब्राइट स्पॉट मिलेगा वो पूरी स्लिट की वजह से नहीं मिल रहा, वो सिर्फ उसके 1/3 पार्ट की वजह से मिल रहा है, इसलिए ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ये तो कैंसिल हो रहा है मगर ये ब्राइटनेस दे रहा है। फिर यहां से और ऊपर जाएंगे और आधा वेवलेंथ का और पार्ट डिफरेंस हमने ऐड कर दिया उसमें, ठीक है, तो फिर ये और पार्ट डिफरेंस आ गया तो ये निगेटिव वाले फेजर्स भी आ गए। अब ये इससे कैंसिल हुए तो ये इससे कैंसिल हो गए, यहां से जितने भी फेजर्स जा रहे हैं सब यहाँ पे मिलके क्या कर रहे हैं? डार्क स्पॉट बना रहे हैं, फिर से डार्कनेस मिल रही, कैंसिलिंग इफेक्ट आ रहा है। अब फिर यहाँ से और हाफ वेवलेंथ ऊपर जाएंगे तो फिर ये और हाफ वेवलेंथ आ गया, 1, 2, 3, 4, 5 इसके पांच पार्ट हो गए। ठीक है, उन पांच पार्ट में से 1, 2, 3, 4 पार्ट, चार पार्ट की लाइट तो आपस में कैंसिल हो जा रही है, सिर्फ 1/5 पार्ट की जो बची उसी की वजह से ब्राइटनेस मिल रही है। ठीक है,
पहले पहले में पूरे की वजह से मिल रही थी, दूसरे में 1/3 की वजह से मिल रही थी, तो तीसरा मिल रहा है अब आपको ब्राइट स्पॉट है उसमें सिर्फ 1/5 की वजह से मिल रही है, 1, 2, 3, 4, 5 ये कैंसिल हो रहे हैं सिर्फ इसकी वजह से मिल रही है, इसलिए ब्राइटनेस कंटिन्यूअसली रिड्यूस होती चली जा रही है। तो सारी फ्रिंजेस की ब्राइटनेस सेम नहीं है यहाँ पे, जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं ब्राइटनेस रिड्यूस होती है। देखिए इन द डिफ्रेक्शन एपरेटस ए नैरो साइज स्लिट प्रोड्यूसेस अ क्लियर डिफ्रेक्शन पैटर्न, ठीक है, अगर इस स्लिट का साइज बड़ा कर देंगे तो ये जो हमें ब्राइट डार्क पैटर्न दिख रहा है सब खत्म हो जाएगा, फिर ये दिखाई नहीं देगा, ये स्लिट नैरो स्लिट होगा तो ही दिखाई देगा, ये फिनोमिना हमें तभी मिलेगा। सेकेंडली ही व्हेन ए वेव फ्रंट रीचेस द नैरो स्लिट ऑल पार्टिकल्स ऑफ द वेव फ्रंट इन द नैरो स्लिट बीइंग ए सोर्स ऑफ एनर्जी produces their own wavelets according to Huygens principle. The waves produced by each particle reaches each point on the screen, and produces a pattern called diffraction pattern as a result of principle of superposition. Consider a point P on the screen such that the path difference S2P minus S1P is equal to lambda, one wavelength. ठीक है? This means the first and last wave reaching P are in phase, ठीक है, and all other waves reaching P are of phases covering one complete wavelength, ठीक है, अब ये बना लो, ये वाला डायग्राम बना लो, एक वेव वाला, यहाँ लिखो here we see that all phases cancel out mutually, आपस में एक दूसरे को cancel कर दे रहे हैं, ठीक है, to produce dark spot at P. अभी हमने एक wavelength का part difference लिया तो एक wavelength हमें यह मिला, ठीक है, when we move farther such that the path difference becomes 1.5 wavelength, then the phases reaching P can be shown as, हाँ बेटा पूछो क्या पूछ रहे हो, क्या लिखा वो पढ़ो, जो आपने लिखा है सेंटेंस वो पढ़ो बेटा, हाफ वेवलेंथ के बाद बता दो सर, हाँ हाफ वेवलेंथ, then the phases reaching P can be shown as, ये वाला डायग्राम बना लो, डेढ़ वेवलेंथ का बना लो, बना लिया, चले आगे, here we see that 2/3 of the waves, 1/3, 1/3, ये दोनों मिला के हो गई 2/3, 1/3, 1/3, दोनों मिला के हो गई 2/3, 2/3 of the waves, ठीक है, are cancelling each other, only one third waves reaching from the slit produce a brightness, ठीक है, resulting in low brightness, brightness कम हो गई ना, 1/3 रह गई, moving further will repeat the same phenomena further on either side, नीचे भी ऐसे ही होगा, ठीक है, further on either side, जैसा ऊपर हो रहा है वैसे ही नीचे भी होगा, ये बात समझ में आ रही है,
तो अभी तक हमने क्या देखा कि बीच वाला ब्राइटनेस सबसे ज्यादा था, जैसे जैसे ऊपर दूर जा रहे हैं ब्राइटनेस घटती जा रही है, ब्राइटनेस घटती जा रही है, ठीक है।